गए साथ में, जाना चाहिए था ना जब वो इनवाइट कर रहा था तो। Why should I, mom? ताकि पता लगा सको कि दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है, और है भी तो क्यों, आखिर क्यों नजर आता है वो रोज रोज हमारे ऑफिस में? क्या पता मुझे? पता होना चाहिए सुनील, मालविका इज योर कलीग और तुम्हारे बचपन की दोस्त भी। दोस्ती के नाते ही तो मैंने उससे पूछा था कि मेरे साथ वो लंच चले, बस जबरदस्ती नहीं की मैंने, बिकॉज़ आई फेल्ट दैट आई शुड नॉट पाइल ऑन। एक बात हमेशा याद रखो, लड़की को वू करते समय कभी भी जेन्युइन नहीं होना होता, ना खुद के लिए ना सामने वाले के लिए, बल्कि लड़की क्यों, इवन अदरवाइज। अगर तुम सच्चे हो तो मतलब तुम सामने वाले से कह रहे हो कि भैया मैं भला हूं, मुझे नाकामयाबी मंजूर है। दैट गिव्स हिम अ सेंस ऑफ पावर। व्हाई गिव एनीवन अ फीलिंग लाइक दैट? बस मॉम, देखिए जो हो चुका है, लेट अस नॉट। मैं मानती हूं जो हो गई सो हो गई, लेकिन आगे के लिए याद रखना, आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग, असर्टिव। मालविका जैसी लड़की के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है, फिर देखना वो अपने आप आर्यन पे ध्यान देना छोड़ देगी। पता नहीं ये कनाडा से यहाँ आया क्यों हुआ है, अगर इसका वहां बिजनेस है तो वापस क्यों नहीं जाता? आज पूरा दिन तुमसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। तुम जानते हो इस वक्त अगर मामा की जिंदगी में कोई खूबसूरत बात है तो वो तुम हो, अगर मामा के कोई करीब है तो वो तुम हो। तुम सब जानते हो इस वक्त मामा कितने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं क्योंकि तुम उनके पास हो। मैं जानती हूं तुम इस दुनिया में आने से बहुत डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी आने वाली जिंदगी में कितने स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों ही नहीं जानते कि तुम्हारे पापा कभी लौट कर आएंगे भी या नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार तो प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर प्रॉमिस कर सकती हूं कि मामा का सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। ये दुनिया बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, और मैं चाहती हूं कि इस दुनिया में आने से पहले तुम इसकी अच्छाइयों पर यकीन करो। जो तुम करोगे, बिकॉज यू आर माई चाइल्ड, माई लव, जस्ट कीप द फेथ, ओके? एंड नाउ किस मामा गुड नाइट। मामा लव्स यू वेरी मच।